पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों से पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन चर्चा करते हुए उनके कामकाज का ब्यौरा लिया, साथ ही योजनाओं के तहत मिले लाभ की जानकारी ली। वहीं सावेर में झाड़ू बनाने का काम करने वाले छगनलाल और उनकी पत्नी से बात करते हुए उनके कामकाज का तरीका जाना। इसके बाद आगे बात जारी रखते हुए झाड़ू बनाने के साथ उसके उपकरणों से रिसाइकिलिंग पर चर्चा की। इस पूरे आयोजन में सावेर तहसील के कार्यालय में मंत्री तुलसी सिलावट, कलेक्टर मनीष सिंह सहित कई नेता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। हाँ, पर ठीक है, अच्छी राय दी सर आपने। देखिए, मुझे विश्वास है कि सही समय पर बैंक से जो मदद आपको मिली है जी सर, उससे आपके परिवार को संबल मिलेगा। मोबाइल फोन से पैसा लेना, पैसा देना, और इसके कारण आज भले 10,000 रुपया मिला, आपकी इज्जत इतनी बढ़ जाएगी बैंक में, फिर बैंक वाले कहेंगे आप 15,000 ले जाओ, बैंक वाले कहेंगे 20,000 ले जाओ, धीरे धीरे आपका कारोबार बढ़ सकता है। पुरानी हर संभव प्रयास मदद से सरकार करेगी। प्रधानमंत्री जी की हर योजना को हम आदर्श तरीके से जमीन तक क्रियान्वित करें, इस पर हम कोई कोशिश नहीं छोड़ेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही बढ़िया आनंद आया कि जो मुझे इतनी सारी बात उन्होंने सिखाई, समझाई, आगे बढ़ने के लिए, देश में तरक्की करने के लिए, जैसे हमारे पीएम प्रधानमंत्री जी हमारे देश की तरक्की कर रहे हैं, उसी हिसाब से हमें भी धंधे और इसमें सबने तरक्की करने का सिखाया। प्रधानमंत्री, सवाल किया आपसे उन्होंने, क्या बात करी शुरुआत में आपने, क्या कैसी शुरुआत की बात होगी आपसे? शुरुआत जो उन्होंने लाभन कर दिया उसी से शुरुआत किया उन्होंने। नहीं, यदि जैसे पाइपलाइन है उसका उन्होंने राय दी अच्छी, उसमें जैसे कुछ बचत होगी, अपन एक ही सकते जैसे वो वाली झाड़ू यदि कोई गिराक लेगा तो हम उसे समझाएंगे कि यदि झाड़ू टूट गई तो ये पाइपिंग आप संभाल के रखोगे तो उसमें हम आपको कुछ भी दाम कम कर। वहीं मौके पर मौजूद कलेक्टर मनीष सिंह ने मीडिया से बात करते हुए योजना की जानकारी दी, साथ ही कहा कि सरकारी योजना का लाभ लेने वालों से पीएम मोदी ने चर्चा की। जब से योजना लॉन्च हुई थी उनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लगभग 10-12 बार रिव्यू लिया गया है। तो मध्य प्रदेश पहला राज्य है पूरे देश में जिसमें 1 लाख से अधिक लोगों का डिस्पर्समेंट हो चुका है, और इंदौर में उसमें 7,500 से ज़्यादा लोगों का डिस्पर्समेंट हम लोग करा चुके हैं, और लगभग 18,000 हमारे सेंक्शन हो गए हैं। और उसी कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश विशेष के लिए आज भी कार्यक्रम किया, और उन्होंने स्वयं ही हितग्राहियों से बात की किस प्रकार से उनको ये योजना का लाभ मिला है, उस योजना के लाभ में प्राप्त पैसे राशि से क्या करेंगे, और अन्य जो केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजना है उसके बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की। और यहाँ पर सावेर में छगनलाल जी जो झाड़ू का कार्य बनाने का कार्य करते हैं उनको 10,000 रुपये की राशि भी भेजी है उस लाभ के तहत हितग्राही ग्रुप में, उसका उन्होंने पूरा माननीय प्रधानमंत्री जी को बताया और किस प्रकार से पैसे का उपयोग कर रहे हैं वो बताया, और आगे की योजना क्या है उनकी वो भी बताया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में इससे अगर ये समय में पैसा जमा कर देते हैं तो नेक्स्ट ईयर में, 1 साल में पैसा जमा करने पर नेक्स्ट ईयर में ये जो ब्याज रहित इनको लाभ मिल रहा है और भी दूसरी राशि प्राप्त हो सकती है, 15,000-20,000 तक राशि प्राप्त हो सकती है, ये पूरा अपने संबोधन में सभी हितग्राहियों को अवगत कराया। इस पूरे आयोजन का जिक्र करते हुए वहां मौजूद जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने पीएम निधि योजना के तहत हितग्राहियों को 10,000 के चेक वितरित किए। अभी बात चल रही है, बहुत बड़ा है, कोई भी काम पड़े पूरी सरकार आपके साथ है, मध्य प्रदेश और देश की दोनों सरकार फायदा लेकर बहुत बहुत बधाई। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर।